तो आतंकी हमले से गूंजा पंजाब, 6 महीने के अंदर ये दूसरी घटना है जब आतंकी हमले से गूंज उठा है पंजाब। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि हालांकि ये अच्छी बात है, ये सवाल ये कि क्या जो पाकिस्तान और जो भारत की दोस्ती है उस पर इसका फर्क पड़ेगा, क्या ये साजिश रची जा रही है। दूसरा सवाल ये कि अच्छी बात तो ये रही कि कम से कम सेना के जो कमांडो थे, सेना के जो जवान थे, उन्होंने आतंकियों की ये साजिश को नाकाम कर दिया। लेकिन आज के एजेंडा में बात ये है कि क्या पटरी पर लौटती भारत पाक रिश्तों की गाड़ी फिर डिरेल हो जाएगी, क्या फिर अमन पर आतंक भारी पड़ जाएगा। तो सवाल यही है कि भारत की दोस्ती पर क्या पठानकोट में जो आज आतंकी हमला हुआ है ये भारी पड़ जाएगा। ये आतंक जो आतंकवादियों ने जो साजिश रची है, क्या ये दोस्ती फिर से जुड़ने से पहले ही टूट जाएगी, ये सवाल है। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आज जो एक आतंकी हमला हुआ है पठानकोट के एयरफोर्स स्टेशन पर, एयरबेस पर, और दूसरी तस्वीर वो जब दोस्ती का पैगाम लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे लाहौर, अचानक पहुंचे और एक संदेश देने की कोशिश की, दोस्ती का पैगाम लेकर गिफ्ट लेकर पहुंचे थे। लेकिन क्या कहा जाए, जो गिफ्ट लेकर पहुंचे थे उसके रिटर्न में ये मिला है। तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी के हाई प्रोफाइल लाहौर दौरे के हफ्ते भर बाद ही पंजाब के पठानकोट में ये बड़ा आतंकी हमला हुआ। आर्मी की वर्दी में आए आतंकियों ने पठानकोट के एयरबेस पर हमला किया। ये आतंकी AK-47 जैसे अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे। बताया जा रहा है कि आतंकी सुबह करीब 3 बजे एयरफोर्स बेस के अंदर घुसे। आतंकी फिदायिन हमले के इरादे से ही आए थे, लिहाजा वो फायरिंग करते हुए अंदर घुसे। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की, आतंकियों को एयरबेस के टेक्निकल एरिया से बाहर रखा, यानी उन्हें उस इलाके में घुसने नहीं दिया जहां एयरफोर्स का साजो सामान रखा है। आसमान से लेकर जमीन तक आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई। इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी खुद NSA अजीत डोवाल कर रहे थे। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन फेल हुई है। जब आपके एरिया पे हमला हो चुका है, SP किडनैप हो चुका है, एडमिनिस्ट्रेशन को उसने किडनैप कर लिया है, फिर आपको वो एरिया मिलिट्री को हैंडओवर कर देना चाहिए था। आपने वो मिलिट्री को हैंडओवर क्यों नहीं किया? आपको बता दें कि पठानकोट पाकिस्तान की सीमा से सटा इलाका है, ऐसे में यहाँ अटैक करना आतंकियों के लिए बेहद आसान है। शक ये भी है कि ये वही आतंकी हो सकते हैं जिन्होंने 2 दिन पहले गुरदासपुर के SP को अगवा किया था। ऐसे में सिक्योरिटी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या इस आतंकी हमले का भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत पर कोई असर होगा या नहीं। अभी जो इंडिया पाकिस्तान के रिश्तों में जो एक प्रकार का बेहतर होने का एक प्रकार का संकेत है, उसके लिए ये एक चुनौती है या एक आप कह सकते हैं कि परीक्षा है। आपको ये भी बता दें कि 6 महीने में ये पंजाब पर दूसरा बड़ा आतंकी हमला है। इससे पहले जुलाई में गुरदासपुर के एक पुलिस स्टेशन पर भी आतंकियों ने हमला किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, India 24/7। तो चलिए हम आगे भी इस मुद्दे पर बात करेंगे, हमारे साथ दो मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको पॉलिटिकल रिएक्शन दिखाते हैं। देखिए, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, हम चाहते हैं पाकिस्तान ही नहीं बल्कि सभी पड़ोसी देशों के साथ हमारे अच्छे रिश्ते होने चाहिए। हम शांति भी चाहते हैं, लेकिन भारत के ऊपर यदि किसी प्रकार का टेररिस्ट अटैक होगा तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब भी देंगे। मोदी जी हाल में ही पाकिस्तान होकर आए हैं, उसके बाद भी पाकिस्तान से आए उग्रवादियों द्वारा इतना बड़ा आतंकी हमला हमारे फॉरवर्ड एयर बेस पर अपने आप में गहन चिंता का विषय है। इस समय ये पूरा मामला क्योंकि ज्वलंत है, इससे अधिक कहना उचित नहीं होगा। पठानकोट के बहुत ही सेंसिटिव एयरफोर्स बेस पर हमला हुआ है, ये बहुत ही गंभीर और चिंता का विषय है। वार्ता पाकिस्तान के साथ पीस टॉक और टेररिज्म एक साथ नहीं हो सकता।
और चलिए हमारे साथ दो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक रक्षा विशेषज्ञ कमर आगा जी हैं और दूसरे यूपी के पूर्व डीजीपी ब्रजलाल जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों मेहमानों का स्वागत करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी यहाँ पर कमर आगा जी से। कमर आगा जी, क्या कहा जाए, एक तरफ भारत कोशिश करता है दोस्ती बढ़ाने की, अभी एक हफ्ता हुआ उससे पहले प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे, दोस्ती का पैगाम दिया, लेकिन उसके उल्टे में आज ये घटना सामने आई, तो क्या कहा जाए, दोनों की जो दोस्ती है उसको डिरेल करने की कोशिश हो रही है? हाँ, बिल्कुल सही बात है। वहाँ पाकिस्तान में हमेशा जब भी बातचीत होती है तो उसको डिरेल करने की जो शक्तियाँ हैं वहाँ पे वो करती हैं। देखिए, पाकिस्तान दो भागों में बटा हुआ है। एक तरफ तो वहाँ पे कट्टरपंथी धार्मिक संस्थाएं और मिलिटेंट ग्रुप्स हैं और जिनका के गठबंधन है वहाँ की सेना के साथ, ये नहीं चाहते कि भारत से कोई भी अच्छा संबंध हो और इनकी हर कोशिश होती है कि किसी भी सूरत से बातचीत ना हो, अगर बातचीत हो रही है तो उसको किसी सूरत से रोक दो। दूसरी तरफ वहाँ की इलेक्टेड गवर्नमेंट है और आम जनता है जो चाहती है कि बातचीत हो, जो कि आतंकवाद से काफ़ी पीड़ित हो चुकी है। तो ये है, ये टग ऑफ वार पाकिस्तान में काफ़ी समय से चल रहा है इनका आपस में, और हम लोग की कोशिश ये होती है कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है उसी से हम लोग बात करते हैं, और ये दुविधा हमारे साथ बनी रहती है हमेशा। भारत दो तीन तरीके से प्रेशर डालता है, एक कभी जब बात करके उनके ऊपर प्रेशर डालता है, दूसरी तरफ ये होता है कि बात न करके प्रेशर हो। ये संभव नहीं है कि लगातार बहुत समय तक बातचीत न की जाए, इसलिए कि अगर आप बहुत समय तक बातचीत नहीं करते तो सिचुएशन और बिगड़ जाती है। फिर तीसरी तरीका ये भी होता है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के जरिए पाकिस्तान के ऊपर दबाव बढ़ाने का। तो सभी कोशिश करते हैं, लेकिन पाकिस्तान से बात करना या वहाँ से किसी मसले का हल निकालना बड़ा मुश्किल नज़र आता है। अभी बातचीत शुरू नहीं हुई थी ठीक से, जिसे कहना चाहिए था कि इस तरह की गतिविधियाँ शुरू हो गई। पंजाब बहुत सेंसिटिव एरिया है, बॉर्डर के करीब है, वहाँ पर इलेक्शन भी होना है जल्दी ही, और वहाँ पर पोलिटिकल डिफरेंसेस बहुत हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, उसका ये वहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा आतंकवादी की जाए, और ये अकेले एक तरफ ये गतिविधियाँ कर रहे हैं, दूसरी तरफ वहाँ पे जो खालिस्तानी ग्रुप हैं उनको भी सक्रिय करने की कोशिश हो रही है। तो एक बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, यहाँ पर पंजाब ही को हमेशा निशाना बनाया जा रहा है, और इसीलिए बार बार सवाल उठा आखिर क्यों पंजाब ही आतंकियों के निशाने पर है। अब बात करते हैं, ब्रजलाल जी भी हमारे साथ है। ब्रजलाल जी, क्या कहा जाए, जब पहले से ही यहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया गया था, एनएसजी के कमांडोज वहाँ पर पहुंच चुके थे, पहले ही पूरी तरीके से अलर्टनेस थी, उसके बावजूद कहाँ ऐसी चूक हुई है लोकल कह सकते हैं लोकल यूनिट पर, लोकल पुलिस की तरफ से, कि जिसकी वजह से वहां तक पहुंचने में कामयाब हो सके आतंकी? ऐसा है कि जो हमारा बॉर्डर है उस पर जो पाकिस्तानी एलिमेंट हैं, वहां के कट्टरपंथी हैं, वहां की सेना है, ये वहां के आतंकवादियों को हमारे क्षेत्र में घुसने के लिए सहायता देती है। पाकिस्तान की समस्या ये है कि वहाँ एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, लेकिन इसके अलावा वहाँ कई पावर सेंटर हैं, जिसमें वहाँ की आर्मी, इसके अलावा आईएसआई और तीसरे वहाँ आतंकवादी संगठन, जिसमें खासकर लश्कर ए तैयबा और जैसे मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा जिसका चीफ वहाँ पर हाफिज सईद है, ये सब जो एलिमेंट हैं ये कतई नहीं चाहते कि भारत पाकिस्तान के रिश्तों में जो गर्माहट आई है वो गर्माहट कायम रहे, और इसको वो हमेशा इसको तोड़ने का प्रयास करते हैं, और उसी को उसमें ये घटना हुई है। अलर्ट जारी था अलर्ट के सिलसिले में, लेकिन ये कहूँगा कि अलर्ट का ही अंजाम था कि हमला तो ज़रूर हुआ, लेकिन हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने, हमारी फोर्सेज ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया और उनको टेक्निकल एरिया में घुसने नहीं दिया। हमारे एयरक्राफ्ट, हमारे इक्विपमेंट जो उनका इरादा था उसको डैमेज करने के, वो नहीं कर पाए और पांचों मारे गए। तो हमको इसमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है, और एक चीज़ याद रखिएगा कि पाकिस्तान के जो कट्टरपंथी एलिमेंट हैं, जिसमें वहाँ की सेना और एएसआई शामिल हैं, इस प्रकार की घटनाएं और करने का प्रयास करेंगे जिससे ये रिश्तों की गर्माहट कायम ना रहे और ये जो है ये वार्ता हमारी आगे ना बढ़ पाए। लेकिन हमें बातचीत जारी रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम इस पर बातचीत तोड़ देते हैं तो आतंकवादियों का तो यही मकसद है, वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। मैं समझता हूं इस घटना से एक इंटरनेशनल दबाव भी
पाकिस्तान पर पड़ना चाहिए, हमें पाकिस्तान से मुद्दा उठाना चाहिए, और खासकर जो वहाँ आतंकवादी संगठन चला रहे हैं, जो आतंकवादियों की ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसमें जैसे मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा हैं और खासकर हाफिज सईद, हमें पाकिस्तान से इंटरनेशनल प्रेशर, अपना प्रेशर डाल करके करना चाहिए कि ये ट्रेनिंग सेंटर बंद हो जो जहाँ चल रहे हैं, और साथ ही हाफिज सईद जैसे लोग वो सिखों के अंदर हों उनके ऊपर कार्रवाई हो, और अभी 26/11 का मुकदमा भी वहाँ चल रहा है, उनके लोगों को सजाएं हों, जिससे एक मैसेज जाए आतंकवादियों संगठनों पर रोक लगे। बिल्कुल, ये तो बात सही है आप कि यहाँ पर आतंकवादियों को मैसेज जाए, लेकिन कहीं ना कहीं दबाव, जैसा कि आपने कहा, इंटरनेशनल दबाव भी पड़ेगा पाकिस्तान पर, लेकिन यहाँ पर दबाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी पड़ेगा, क्योंकि जब वो लाहौर पहुंचे उसके बाद विपक्ष ने उन्हें घेरा, और हाफिज सईद की भी आप जिक्र कर रहे थे, वहां से भी प्रतिक्रिया देखने को मिली, तो कहीं ना कहीं अब दबाव यहां पर भी होगा कि एक तरफ तो भारत कोशिश कर रहा है दोस्ती बढ़ाने की, लेकिन दूसरी तरफ यहां पर आतंकी अपने नापाक अंदाजों के साथ घुसपैठ करते हैं, और उसके बाद ये अच्छी बात है कि सेना उनको उनके नापाक जो मंसूबे हैं उसको कामयाब होने नहीं दे रही है। चलिए अब आपको ये बता देते हैं कि आज ये पठानकोट एयरबेस पर जब हमला हुआ, कैसे आतंकी अंदर आए और उसके बाद क्या क्या घटना हुई, देखिए इस रिपोर्ट में। रात के धूप अंधेरे में एक बार फिर पाकिस्तानी आतंकियों ने भारत पर बड़ी चोट करने की कोशिश की। इस बार निशाना था पंजाब के पठानकोट का एयरफोर्स बेस। वो एयरफोर्स के विमानों समेत दूसरे अहम जखीरे को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने पूरी मुस्तैदी से आतंकियों के नापाक मंसूबों को नाकाम किया और इन पाकिस्तानी पिट्ठुओं को ढेर कर दिया। सुबह 3 बजे पठानकोट में हमला हुआ है और हमारे सेना के जवान, एनएसजी और हमारी पंजाब की पुलिस उसका मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। देश को अपनी जितनी सेना और जितनी सुरक्षा एजेंसियां हैं उन पर नाज है। सवाल ये उठता है कि आखिर ये हमला हुआ कैसे और एयरबेस तक आतंकी पहुंचे कैसे? इन तमाम सवालों का जवाब आपको देंगे। पहले ये जान लीजिए कि ये आतंकी एयरबेस में कैसे घुसे। आतंकी मेन गेट के रास्ते आए, ये बताया जा रहा है कि आर्मी की वर्दी में होने के कारण इन्हें एंट्री मिल गई। चारों आतंकियों ने 2 लेयर की सिक्योरिटी तोड़ दी और ग्रेनेड हमला किया। 2 आतंकी मारे गए, बाकी बचे आतंकियों को सुरक्षा बलों ने रेजिडेंशियल एरिया में घेर लिया। आपको बता दें कि एयरबेस का इलाका बड़ा होता है, वहां 4 से 5 लेयर सिक्योरिटी होती है। ये सवाल जरूर पूछा जा सकता है कि भाई इतने छोटे से वक्फे में 2 इंसिडेंट पंजाब में हो गए, तो इसकी वजह क्या है? हालांकि ये फिदायीन आतंकी थे, यानी जिंदगी या मौत से बेपरवाह, लेकिन सवाल फिर भी उठ रहे हैं, इतनी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था होने के बावजूद आतंकी यहां पहुंचे कैसे? सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि गुरुवार को ही पठानकोट में पंजाब पुलिस के SP सलविंदर सिंह और उनके साथियों को उनकी गाड़ी में ही किडनैप किया गया था, जिसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया। शुक्रवार शाम से इलाके में घेराबंदी थी और आतंकियों की मौजूदगी के शक में छानबीन जारी थी। पूरे पंजाब में 12 घंटे पहले से हाई अलर्ट था। सवाल ये भी कि आखिर 24 घंटे के बाद भी उन किडनैपर्स को ट्रेस क्यों नहीं किया गया? शक है कि जिन आतंकियों ने एसपी को किडनैप किया था उन्होंने ही एयरबेस पर हमला किया। जाहिर है कि ये सिविल और मिलिट्री डिफेंस के बीच तालमेल में कमी की ओर इशारा करती है। जब आपके एरिया पे हमला हो चुका है, एसपी किडनैप हो चुका है, एडमिनिस्ट्रेशन को उसने किडनैप कर लिया है, फिर आपको वो एरिया मिलिट्री को हैंडओवर कर देना चाहिए था। आपने वो मिलिट्री को हैंडओवर क्यों नहीं किया? यह हमला जुलाई में हुए गुरदासपुर हमले के पैटर्न पर था। गुरदासपुर के दीनानगर पुलिस थाने पर भी आतंकियों ने तड़के 3 बजे हमला किया था। ऐसे में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के बीच तालमेल और तैयारियों पर सवाल उठने लाजमी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7।
यहाँ पर पठानकोट के एयर बेस पर आज आतंकी घुसते हैं सुबह सुबह, उसके बाद हमला करते हैं। हालांकि ये बात अच्छी है कि सेना ने मुस्तैदी दिखाते हुए इन आतंकियों को उनके मंसूबे में कामयाब नहीं होने दिया। अब हम आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। एक तरफ तो कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ाई जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बोल्ड स्टेप लेते हुए 25 दिसंबर को वो पहुंचे लाहौर अचानक, और वहां पर ये संदेश देने की कोशिश की कि हाँ, भारत आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान के साथ दोस्ती करना चाहता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर एक हफ्ते बाद ही ऐसी घटना सामने आती है तो फिर इसे क्या कहा जाए? क्या दोनों की दोस्ती में को डिरेल करने की कोशिश की जा रही है? तो ये दो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो हमारे दोनों मेहमान बने हुए हैं, पूर्व डीजीपी ब्रजलाल जी और साथ ही साथ कमर आगा जी भी बने हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ। कमर आगा जी, सवाल यही है कि एक बार पहले भी हुआ था कि जब लाहौर से यहाँ पर जब बस यात्रा की पहल की गई थी लाहौर जाने की, और उसके बाद ये हुआ कि कारगिल की जंग में ये तब्दील हो गई। एक बार फिर कोशिश की गई, उसके बाद लगातार आतंकी अपने मंसूबों से पीछे हटने के लिए हट नहीं रहे हैं। तो ऐसे में क्या कहा जाए? अब भारत को सोच समझ कर आगे अपना स्टेप उठाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, सोच समझ के स्टेप उठाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगले 24 घंटे के अंदर भारत का जो रिस्पांस होगा वो सामने आ जाएगा खुल के, कि क्या है, क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी है, इसको किस तरीके से वो डील करती है। देखिए, उनकी तो ये लगातार कोशिश होती है कि किसी सूरत से बातचीत को स्कटल कर दे। लाहौर डिक्लेरेशन साइन हुआ, कारगिल हो गया, उसके बाद हमें कुछ थोड़ा पीरियड शांति का मिला जिसके अंदर पीस प्रोसेस शुरू हुआ, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर शुरू हुई। लेकिन जब सियाचिन और सरगिरीक पे हमें लगा कि कहीं ना कहीं कामयाबी मिल जाएगी, ये मसले हल हो जाएंगे, तो दूसरा बड़ा आतंकवादी गतिविधि हो गई भारत के अंदर, और जितनी हम लोगों ने आगे पढ़े थे वो सब खत्म हो गया, 26/11 हो गई। तो इस तरह से लगातार ये बना रहती है, ये दुविधा बनी। अब की दफ़े ये ऐसा हो रहा है कि उफा में जैसे ही बातचीत के बारे में पता चला, उसी दिन से बॉर्डर के ऊपर फायरिंग शुरू हो गई, इन्फिल्ट्रेशन बढ़ गया, जम्मू एंड कश्मीर में अटैक हुआ, गुरदासपुर में अटैक हुआ, अब यहाँ पे अटैक हो रहा है, और लगातार गतिविधियाँ। यानी अब की उनकी कोशिश ये है कि बातचीत ही न शुरू करने पाए। अच्छा, किस तरह से वो दबाव बना रहे हैं, अब ये गवर्नमेंट को तय करना होगा। एक बात ये भी है कि जब भी बातचीत होती है, अब ये गवर्नमेंट को तय करना होगा कि बातचीत होनी चाहिए। ये सवाल है कि बातचीत हर बार होती है, और मुद्दा यही होता है कि आतंकवाद पर क्या बातचीत होगी, और हर जगह यही छाया रहता है कि आतंकवाद पर जो बातचीत होगी उसका हल निकल के क्या आता है। लेकिन सारी बात होती है, लेकिन इस पर किसी को भी आंसर नहीं मिलता कि क्या पाकिस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ क्या कदम उठा रहे हैं, वहाँ से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, इसके बारे में कभी भी खुलकर पाकिस्तान नहीं बोलता है। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, आतंकवाद तो वहाँ से आता है, उसमें रोक लगाने की कोई कोशिश ही नहीं की जा रही है। वहाँ पे हजारों आतंकवादी घूम रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग कैंप्स चल रही है, उनको पैसे दिए जाते हैं, उनके लिए हर किस्म की सुविधाएं हैं, और उनका इस्तेमाल किया जाता है, ISI करती है, और हम लोग सब अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन ये है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भी जिम्मेदारी बनती है, जब तक वो सही तरीके से पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर नहीं डालेगा, तब तक ये प्रेशर जब तक पाकिस्तान की सेना पे नहीं पड़ेगा, तब तक मैं समझता हूँ कि कोई मसला नहीं निकलेगा। और ये एक ही तरीका है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, खासतौर से अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप, जिसका पाकिस्तान से बहुत घनिष्ठ संबंध है, वो वहाँ की सेना पे प्रतिबंध कम से कम लगाएं, उनको वीपन देना बंद करें, उनको एड, मिलिट्री एड मत दें, उनको स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई बंद करें, तभी कुछ प्रेशर बन पाएगा। उनकी जो हाई प्रोफाइल विजिट्स होती हैं उनके ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए, उनको वीपन नहीं खरीदने की परमिशन मिलनी चाहिए। ये जब तक नहीं होगा, देखिए सिचुएशन बदल रही है, पेरिस अटैक के बाद से काफी सिचुएशन बदली है, और उम्मीद है कि अब आने वाले समय में पाकिस्तान के ऊपर बिल्कुल सिचुएशन बदल रही है, शाम तक इंतजार करना चाहिए। और हाँ बिल्कुल, शाम तक इंतजार करना चाहिए, देखते हैं कि सरकार की तरफ से क्या रिस्पांस आता है। हालांकि यहाँ पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अपना जवाब जरूर दिया, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जरूर दी है कि इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। हम रुक करते हैं ब्रजलाल जी का। ब्रजलाल जी, क्या आपको लगता है कि कहाँ पर किसका फेलियर है? क्या आर्मी और जो लोकल इंटेलिजेंस है उन दोनों के बीच में तालमेल की कमी थी जिसकी वजह से आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब होने तक पहुँच चुके थे, हालांकि उन्हें कामयाब होने नहीं दिया गया?
देखिए ऐसा है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की इनपुट पहले से था। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने देश को बताया था कि साहब आतंकवादी संगठन जो है सक्रिय हैं और वो ऐसी वारदात कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो दौरा हुआ था पाकिस्तान का, अगर ये सीक्रेट ना होता, गोपनीय ना होता, अगर पहले जानकारी हो जाती तो इस टाइप के हमले पहले हो सकते थे कि वो दौरा हो ही ना। तो पाकिस्तान के जो एलिमेंट्स हैं, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट के अलावा एलिमेंट हैं, जिसमें मैंने कहा सेना, ISI और कट्टरपंथी तत्व, जिसमें हाफिज सईद, मोहम्मद सईद, ये सब लोग जो सक्रिय हैं, ये हमेशा इनका यह प्रयास रहेगा कि बातचीत देश में पाकिस्तान और भारत के बीच में ना हो पाए। और ये लगातार ये गतिविधियां कश्मीर में और पंजाब में ये कर रहे हैं, क्योंकि ये इनके लिए करना आसान इसलिए होता है कि हमारी इंटरनेशनल सीमा से लगी हुई है। आप देखें अभी कश्मीर में क्या हो रहा है, अभी फ्राइडे के दिन वहां पर ISI के झंडे लहराना और भारत विरोधी हरकतें करना, ये सब आम बात वहां कश्मीर में हो रहा है, ये सब पाकिस्तान के इशारे पर हो रहा है। तो ये हमें पाकिस्तान पर प्रेशर डालना होगा और बातचीत हमें करना होगा, लेकिन बड़ी संभल के करना होगा। और पेरिस हमले के बाद एक जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है उसमें जो जागरूकता आई है, हम सब लोगों को मिलकर पाकिस्तान को प्रेशर डालना पड़ेगा कि आपके हाफिज सईद जो खुलेआम आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं, इन सब ट्रेनिंग कैंप को बंद करिए। जब तक आप बंद नहीं करेंगे तब तक ये बातचीत में इस टाइप के व्यवधान ये तत्व डालते रहेंगे, तो उन पर ये करना जरूरी है। अभी मैंने कहा 26/11 के जो अपराधी हैं लखवी, वो घूम रहा है, खुलेआम घूम रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को उन पर दबाव डालना पड़ेगा कि ये जो तत्व हैं इनको शिक्षों भेजें, इनको सजाएं दें, और साथ ही साथ वहां का जो रिक्रूटमेंट सेंटर्स हैं, ट्रेनिंग कैंप्स हैं, ये सब बंद हो, तब एक माहौल पैदा होगा जिससे बातचीत अच्छे माहौल में हो सकेगी, क्योंकि ये तत्व हमेशा व्यवधान डालने का प्रयास करते रहेंगे। बिल्कुल व्यवधान डालने का प्रयास करते रहने और इसे बातचीत भी नहीं बंद करनी, ये तो क्या सरकार क्या रिस्पांस देती है ये देखने वाली बात होगी। शुक्रिया करेंगे बजाल जी आपका भी, साथ ही साथ हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़े हुए थे कमर आगर जी, उनका भी शुक्रिया करते हैं। तो सवाल यही है कि क्यों बार बार ये आतंकी साजिश की जा रही है, आतंकी घुसपैठ करते जा रहे हैं, उसके बावजूद भी ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन क्या ये आतंकी जो साजिश है ये भारत पाकिस्तान की दोस्ती में आड़े आएगी, डिरेल करने की कोशिश है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी इंतजार होगा कि अब सरकार आगे अपना क्या कदम उठाती है। लेकिन एक चीज और खासतौर से देखी जा रही है, एक ही ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जो आ रहे हैं यहाँ पर आतंकी वो सेना की वर्दी में पहुंचते हैं। इन तमाम सवालों के साथ आज के एजेंडा में बस इतना ही।